नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वालों, 27 अप्रैल से लेकर 3 मई तक आपकी जिंदगी में हड़कंप मचने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह 7 दिनों में आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा, आपको कुछ नहीं समझ आएगा क्या करें और क्या ना करें। दोस्तों, अंतरिक्ष में ग्रहों ने अपनी चाल को बदल रही हैं। ऐसे में जातक के ऊपर परेशानी खड़ी होना स्वाभाविक है। दोस्तों, ऐसे में कुछ सावधानियां बरतकर इनसे बचाया जा सकता है। क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या उपाय करनी है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में सारी जानकारियां दी गई है। यह 7 दिनों में आपको किस तरह से संभल कर रहना होगा, कौन कौन से कार्य करना होगा, किन किन क्षेत्रों में लाभ होगा और किन किन क्षेत्रों में नुकसान भी होगा, सभी जानकारियां देंगे। बस हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले श्री राम जी के सभी भक्त वीडियो को लाइक करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखें। प्रभु श्री राम आपको हर एक मुसीबतों से बचाएंगे। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करने से पहले आप सभी से पहले एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में तूफान आना भी जरूरी होता है। जिंदगी में तभी पता चलता है कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छुड़ा कर जाता है। दोस्तों, यह समय नई जानकारियां हासिल करने में समय व्यतीत होगा। हर बात को गहराई से समझने का भी प्रयास रहेगा। इस बदलते परिवेश की वजह से अपने दिनचर्या में जो परिवर्तन किया है वह फायदेमंद रहेगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो यह समय किसी मित्र की कोई नकारात्मक बात आपको व्यतीत कर सकती है। बेहतर होगा कि फिजूल की गतिविधियों में समय ना लगाएं और बड़े बुजुर्गों के अनुभवों तथा मार्गदर्शन को भी अमल में लाने का प्रयास करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय व्यस्तता के बावजूद घर परिवार की खुशियों के लिए भी समय निकालना ही होगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय बहुत समय बाद घर में किसी संबंधी के आगमन से प्रसन्नतापूर्ण माहौल रहेगा। साथ ही कोई पारिवारिक मसला भी हल हो सकता है। इसके उपरांत नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ मेलजोल रखने से आपके स्वभाव में भी परिवर्तन आएगा, जो कि आपके लिए उचित नहीं है। इस समय मामा पक्ष के साथ कुछ संबंधों में खटास होने जैसी स्थिति लग रही है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय देखिए कानूनी अथवा सरकारी मामलों में अभी आपको लापरवाही करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें, क्योंकि अनुभव की कमी से कुछ गलतियां हो सकती है और किसी निकट संबंधी के मुश्किल समय में उसकी मदद भी करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय जिस कार्य के प्रति आप बहुत दिनों से नाकामी मिल रही थी, वह कार्य अब हल हो सकता है। अचानक ही किसी व्यक्ति से मुलाकात, मन में प्रसन्नता रहेगी। निवेश संबंधी गतिविधियों में रिस्क उठा सकती हैं, लेकिन आपको बिना जानकारी के कहीं भी निवेश करना आपके लिए परेशानी हो सकती है। ध्यान रखना है कि बहुत अधिक व्यवहारिक हो जाना भी रिश्तों में खटास ला सकता है। बच्चों की किसी गतिविधियों से मन आपका परेशान रहेगा, परंतु शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का हल निकालें और खर्चों में कटौती रखें। कुछ पैसे अपने भविष्य के लिए जरूर संचय करें, ये आपके आने वाले भविष्य में आपको लाभ देगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय आपकी संतुलित दिनचर्या की वजह से आपके दैनिक कार्य मन मुताबिक तरीके से संपन्न होते जाएंगे। पिछले कुछ गलतियों से सीख लेकर आप वर्तमान को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। भाइयों के साथ चल रही गलतफहमियां आपकी दूर होगी तथा संबंधों में फिर से मधुरता आएगी।
इस समय बच्चों की गतिविधियों तथा संगति पर पैनी नजर रखना बेहद जरूरी है। फिजूल की बातों में समय व्यर्थ ना करके अपने परिवार के लिए भी ध्यान दें। अपनी वस्तुओं की संभाल कर रखें और दूसरों पर निर्भर रहना आपके लिए अभी उचित नहीं रहेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय कुछ नज़दीकी लोगों के साथ मुलाकात रहेगी, लाभदायक कार्यालय भी बनेगी और किसी विवादित मामले का फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। इसलिए अपने पक्षों को मजबूत रखें और कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपके स्वभाव की वजह से कुछ लोग आपका नजायज फायदा उठा रहे हैं। इस समय भावुकता को अपने ऊपर हावी न होने दें और दूसरे से ज़्यादा उम्मीद रखने की बजाय अपने ऊपर ही विश्वास रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत यह समय कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक मेहनत की जरूरत है। वर्तमान परिस्थितियों की वजह से अभी व्यावसायिक स्थिति में ज़्यादा सुधार नहीं आएगा, परंतु सरकारी सेवारत व्यक्तियों को अपना काम बेहतरीन तरीके से पूरा करने का अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहित मिलेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके कैरियर के लिए जो समय होंगे, यह समय देखिए नवीन कार्य प्रणाली संबंधी योजनाएं बनेगी और सफल भी होंगी। दैनिक आय में कुछ इजाफा होगा और समय शेयर तथा स्टॉक मार्केट की बिल्कुल भी रुख ना लें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कार्य क्षेत्र में आंतरिक व्यस्तता को बहुत अच्छा बनाने की जरूरत है। बिजनेस में कुछ ठोस और गंभीरता लाने के लिए किए गए फायदेमंद होंगे और साबित होंगे। ऑफिस में अपने कारभार को बेहतरीन तरीके से संभाल पाएंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, यह समय विवाहिक जीवन सुखद रहेगा। प्रेम प्रसंगों में किसी वजह से खटास आ सकता है, आपके लिए बेहतर यही होगा एक दूसरे से कुछ भी ना छुपाएं और व्यर्थ के संबंधों से आपको इस समय दूरी बनाकर रखना होगा। एक दूसरे का ख्याल रखना आपके रिश्तों में फिर से जो है मधुरता ला सकती है। इसके उपरांत अगर आपकी सेहत यानी हेल्थ को लेकर बात करें तो यह समय कब्ज और वायु विकार जैसी समस्याओं से राहत पाने के लिए अपने खान पान की आदतों में सुधार लाना बेहद जरूरी है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, यह समय स्वास्थ्य में ना कुछ छोटे मोटे उतार या फिर चढ़ाव हो रहेंगे, परंतु गंभीर बात की आशंका नहीं है, सिर्फ सावधानी आपको इस समय ज़्यादा बरतना होगा। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं उपाय की। देखिए कछुओं और मछलियों को नित्य आटे की गोलियां खिलाएं और चींटियों को भुने हुए आटे में बूरा मिलाकर बनाई गई पंजीरी खिलाएं और प्रतिदिन चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है। दोस्तों ये उपाय है, ये उपाय करने से आपको बेहद लाभ होगा।